सेना के अंदर जैसे अन्य जातियों की रेजिमेंटें बनी हुई है, सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, उन रेजिमेंट की तरह सेना में हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि हमारा शहादत और बलिदान का इतिहास, हमारा सबसे ज़्यादा वीर पदक, सबसे ज़्यादा शहादत होने के बावजूद भी आज हमारी अनदेखी करी जा रही है। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करें, वरना सेना के अंदर जितनी भी जातियों के नाम से रेजिमेंट है वो तोड़ी जाए। तरह माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं जातिवाद, परिवारवाद खत्म करना चाहिए, तो हम कहना चाहते हैं जो सेना में जब जवान लड़ता है तो वो जाति के नाम से नहीं लड़ता, एक जाति की सेवा के लिए नहीं लड़ता, वो देश की रक्षा के लिए लड़ता है। तो उसके कंधे पर, यादव के कंधे पर जाट, सिख, गोरखा, मराठा क्यों लिखा हुआ? महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर सिख, जाट और राजपूत के अलावा कभी भर्ती नहीं हो सकता। क्यों? क्या कोई दलित, क्या पिछड़ा, यादव, गुज्जर, सैनी, जाट ये वीर नहीं है? क्या है मांगे आपकी और किस लिए? थोड़ा माइक नीचे करो यार भाई। देखिए, हमारी आज संसद घेराव के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय दुनसी महासभा, जो यादव समाज का शौर्य और पराक्रम, शहादत और बलिदान को देखते हुए सेना के अंदर जैसे अन्य जातियों की रेजिमेंटें बनी हुई है, सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, उन रेजिमेंट की तरह सेना में हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि हमारा शहादत और बलिदान का इतिहास, हमारा सबसे ज़्यादा वीर पदक, सबसे ज़्यादा शहादत होने के बावजूद भी आज हमारी अनदेखी करी जा रही है। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करें, वरना सेना के अंदर जितनी भी जातियों के नाम से रेजिमेंट है वो तोड़ी जाए और भारतीय सेना के नाम से बना दी जाए। यादव समाज अपनी मांग वापिस ले लेगा, वरना आने वाले टाइम में अब अखिल भारतीय दुनसी महासभा मार्च महीने में गुजरात से रथ यात्रा निकाल कर पूरे देश के यादवों को इकट्ठा कर और 2000 लोकसभा चुनाव से पहले रामलीला मैदान के अंदर 1 करोड़ यादवों को इकट्ठा कर वोट की चोट से और जनशक्ति से इसको खाट फेंकने का भी काम करेगा। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं जातिवाद, परिवारवाद खत्म करना चाहिए, तो हम कहना चाहते हैं जो सेना में जब जवान लड़ता है तो वो जाति के नाम से नहीं लड़ता, एक जाति की सेवा के लिए नहीं लड़ता, वो देश की रक्षा के लिए लड़ता है। तो उसके कंधे पर, यादव के कंधे पर जाट, सिख, गोरखा, मराठा क्यों लिखा हुआ? हमारी मांग है हमारे कंधे पर भारतीय सेना का नाम लिखा जाए, और हम लोग अगर रेजिमेंट नहीं बनाई तो ये आंदोलन पूरे भारत में एक बड़े रूप में खड़ा होगा और ये वोट की ताकत से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। क्यों बनाना चाहते हैं रेजिमेंट? इसलिए बनाना चाहते हैं, ये रोजगार का मुद्दा है, ये स्वाभिमान का मुद्दा है। जब रेजिमेंट बनी हुई है, महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर सिख, जाट और राजपूत के अलावा कभी भर्ती नहीं हो सकता। क्यों? क्या कोई दलित, क्या पिछड़ा, यादव, गुज्जर, सैनी, जाट ये वीर नहीं है? ये क्यों नहीं राष्ट्रपति की सेवा कर सकते हैं? क्यों वहाँ सिख, जाट और राजपूत होता है? एक तरफ आपने आरक्षण में देखा होगा SC ST OBC का, लेकिन राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड का जब भी ज्ञापन निकलता है उसमें एक लिखा हुआ सिख, जाट और राजपूत के अलावा इसमें कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इससे जातिवाद कभी देखा? जो देश का राजा पहला व्यक्ति उसी की सेना में जातिवाद हो रहा है, और वो हमारी सेना में तो हो ही रहा। इसलिए हमारी मांग है इस देश के अंदर सब जातियों की रेजिमेंट तोड़कर सेना के नाम से बनाई जाए, वरना जिन जिन जातियों की वीर का इतिहास रहा है और उसमें अहिर समाज सबसे आगे है, तो उसके कंधे पर भी उसके अहिर समाज का नाम लिखना चाहिए, वरना हम वोट की ताकत से इसको हराने का काम करेंगे। लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है, तो फिर क्या? कुछ क्यों नहीं हुआ? आज लोकसभा के अंदर 25 सांसद उठा चुके हैं, राज्यसभा के अंदर 8 सांसद उठा चुके हैं, हरियाणा विधानसभा से प्रस्ताव पास होकर सेंटर में आ चुका है, राजस्थान के 200 विधायक उठा चुके हैं, पूरे देश के अंदर आज चारों तरफ आंदोलन हो रहा है, खेड़की डोला में 1 साल से हो रहा है,
26 फरवरी को भोपाल में बहुत बड़ी रैली हो रही है और अब हम गुजरात से रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। जहाँ से ये बननी है वहाँ पर लोकसभा में राज्यसभा में हमारे 25 सांसद उठा चुके हैं। इसका मतलब ये मुद्दा वोट से जुड़ चुका है, इसलिए ये मुद्दा कामयाबी की तरफ है और हमारी तो मांग है कि हम तो चाहते हैं कि सेना को एक ही नाम दिया जाए ताकि जातियों में ना बांटा जाए। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अगर नहीं तोड़ी जाती है रेजिमेंट तो हमारी यही रेजिमेंट का भी गठन किया जाए, क्योंकि आप कहते हो जातिवाद नहीं, गोरखा रेजिमेंट में सारे गोरखा जाते हैं, नागा में सारे नागा, सिख में सारे सिख जाते हैं। तो मेरे को ये बताइए जब सेना के अंदर जातिवाद है तो कैसे हम दुश्मनों से लड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले सेना के अंदर जातिवाद खत्म करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जातिवाद बढ़ाने का नहीं है, जातिवाद घटाने का लड़ाई है। चार साल तो सब सरकार ने ऐसी कर दिया सेनाओं पे, तो आप क्यों लड़ रहे हैं सर ये बताइए। देखिए वो अग्निवीर लाने का इनका मकसद यही है, जो भारतीय सेना में रेजिमेंट का आंदोलन पूरा चल रहा है और बड़े लेवल पर हो चुका है, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए, क्योंकि उनको बेवकूफ बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अब तो जातियों के नाम से वो कोई जाति भर्ती नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जो अग्निवीर के अंदर जो जाति का कॉलम दिया हुआ है उसके क्या मतलब है मेरे को बताएगी सरकार। उसके अंदर यही है कि आप OBC हो, SC हो, हाइर हो, जाट हो, गुज्जर हो, उसके अंदर कॉलम है। अगर अग्निवीर में जातिवाद खत्म करने की बात कर रही है तो उसमें कॉलम क्यों दिया गया जातिवाद का, और देश का जब सबसे पहला व्यक्ति है उसके वहाँ जातिवाद क्यों हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि इस जातिवाद को खत्म करना तो भारतीय सेना के नाम से बनाओ, वरना जिन जिनका वीर का इतिहास है, उन जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे ज़्यादा वीर पदक हमने लिए हैं, आज जम्मू कश्मीर अगर इस देश का अंग है तो सभी जवानों का रहा है और जातियों का रहा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान कृष्ण भगवान के वंशजों का रहा। तो हम क्यों नहीं हमारे कंधे पर हमारे बाप का नाम लिखा जाए, हम किस लिए मांग रहे हैं, सत्ता के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कंधे पर अपना नाम मांग रहे हैं, वो देना पड़ेगा सरकार को, वरना 24 में कुर्सी से उठाकर इसको बाहर फेंकने का काम करेंगे। सर अपने अपने जो ग्रह काम करें ना, दूध वाला काम करें, गाय वाला काम करें, क्यों रेजिमेंट में पड़ रहे हैं सर। ऐसा इस देश के अंदर है ना, कमेरा वर्ग है ये ही समाज, इसने दूध बिलो के पहलवान बनाने का भी काम किया, और जब चाइना और पाकिस्तान ने आग दिखाई है ना तो उन 120 वीर हीरो ने चाइना के 1300 चाइनीज को मार गिराया और कश्मीर को बचाया, 55 हीरो ने बड़गांव को बचाया। आज भी किसी जाति के नाम से पहाड़ नहीं है, लेकिन यादव के नाम से बड़गांव की पहाड़ी का नाम यादव हिल है। 33 करोड़ देवी देवता पूरे देश में, लेकिन इस जाति के नाम से 1962 जो 8 महानतम लड़ाइयों में गिनी गई है उसके नाम से वीर हीर धाम आज भी रजंगला के अंदर है, किसी जाति के नाम से नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जब हमारा इतिहास है जब तो भी रही धाम हमारे नाम से है, जब जब पहाड़ियाँ हमारे नाम से है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जातिवाद नहीं है, सेना में जातिवाद खत्म करने की लड़ाई है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करे, वरना सब जातियों की तोड़कर रेजिमेंट भारतीय सेना के नाम से बना दे, हम वापस। अगले महीने भी सर संसद चलेगा, क्या उम्मीद करते हैं सर मांग? अगले महीने फिर हम संसद का घेराव करेंगे और अब की बार कम से कम जो है 10,000 आदमी लेके आए आएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री से इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरी किया जाए, वरना यादव समाज अब जागरूक हो चुका है, पूरे देश में रोड पर उतर चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि 24 में आपको उखाड़ फेंकने का काम करें।